गाड़ियाँ जो ना घरों में छोड़कर फिर साइकिल का दौर जो ना आने वाला है अगर मोदी हुकूमत बरकरार रही तो। जगह तक 94 था उससे डायरेक्ट 97 पे चले गया, तो अब उसके लिए इसके जिम्मेदार असल है कौन? इतनी महंगाई हैदराबाद में बढ़ी है कभी देखी नहीं होगी। बहुत महंगा है ऑलरेडी, कॉलेज असाइनमेंट जॉब देख रहे हैं इसके वजह से उसका खर्चा, पिछले खर्चा, कॉलेज का खर्चा। पिछले 12 दिन से पेट्रोल के दाम मुसलसिल बढ़ते जा रहे हैं और इसके वजह से पब्लिक को बहुत परेशानियां झेलना पड़ रहा। राजस्थान के श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में 100 के ऊपर चलेगा पेट्रोल का रेट, आसमानों को छुरी पेट्रोल की महंगाई और पब्लिक यहाँ पे बोहरान है, हैरान है और परेशान है। आज हम हैदराबाद की पब्लिक से जाके मालूम करेंगे कि उनको क्या तकलीफा झेलना पड़ रहा पेट्रोल के रेट बढ़ने की वजह। हुकूमत बिल्कुलिया तौर पर नाकाम हो चुकी है। आज पेट्रोल का दाम 94 रुपये से बढ़ चुका है और ये बात भी हो सकती है कि 100 रुपये भी इसका दाम हो जाए। और मोदी हुकूमत ने इंतजार पर आने से पहले जो कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन का ख्वाब तो सिर्फ बताने के लिए था, लेकिन आज आवाम के लिए बुरे से बुरे दिन आ रहे हैं। आज पेट्रोल जो ना 94 रुपये चिल्लर पैसे हो चुका है, अब और ना जाने गैस का भी जो ना दाम बढ़ चुका है, फ्यूल जो ना दिन ब दिन जो ना इसके कीमतों आसमान से बातें कर रही हैं, महंगाई बढ़ रही है। लेकिन हमारी मोदी हुकूमत बेशर्म बनी हुई है कि मोदी हुकूमत को आवाम की तकालीफ और मुसीबतों का कोई पास और लिहाज नहीं है, बस वो सिर्फ आवाम दुश्मन पॉलिसी अख्तियार की हुई है। हम इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, और अगर आवाम अभी भी अगर आग नहीं खोले तो फिर वो दिन दूर नहीं है। एक एक खतरा पेट्रोल के लिए हमको लाइन में ठहरना पड़ेगा और कई गाड़ियाँ जो ना घरों में छोड़कर फिर साइकिल का दौर जो ना आने वाला है अगर मोदी हुकूमत बरकरार रही तो। ऐसा पेट्रोल के रेट बढ़ गए तो आम जिंदगी पे बहुत बुरा असर हो जा रहा है। 500 रुपये तनख्वाह है हम लोग, दिन भर में 100 रुपये खाली पेट्रोल नहीं हो जा रहा। ऐसा कह रहे तो कैसा, खाली पेट्रोल गवर्नमेंट पेट्रोल से ही चल रही है ऐसा दिख रहा है। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ ये KCR की सरकार है तो और रेट बढ़ा रहे, 110 रुपये हो जाएगा बोल के बोल रहे, पेट्रोल पंप वाले खुद बोल रहे पेट्रोल पंप पे 110 हो जाएगा पेट्रोल, क्या करना भाई। तो जो पेट्रोल के रेट बढ़ गए उससे आपकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा, ज़रा हमें एक्सप्लेन करिए भाई। सबसे पहले तो ये है कि अच्छे दिन आएंगे बोल के हमारे KCR साहब छोटे ने बोले, जैसा जैसा वो, क्योंकि हम जैसे गरीब लोगों को तो जॉब भी नहीं मिल रहा, मैं ओला का जॉब कर रहा हूँ भाई। अब जैसा जैसा पैसा बढ़ते जा रहे तो उसके लिए मैं काफ़ी परेशान हूँ भाई। तो ये गरीब लोगों का क्या हाल होने वाला है, देखे देखे तक 94 था उससे डायरेक्ट 97 पे चले गया, तो अब उसके लिए इसके जिम्मेदार असल है कौन? तो इसके लिए अब जैसे गरीब लोग जो ओला उबर जो चला रहे थे उनके लिए तो काफ़ी गलत पैदा हो रहा, जिसकी वजह से जो अमीर लोग है उनका तो कोई नहीं, अब जो बिल्कुल गरीब लोग है उनके लिए काफ़ी परेशानी हो रही। वहीं हुकूमत से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग कुछ सियासत .com के जरिए आप लोग कुछ ऐसी कार्रवाई करिए जिससे पेट्रोल का दाम कम हो जाए और गरीब लोगों को कुछ